आज के अपने कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय पद्मश्री श्रीमती संतोष जी यादव, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय सहसंघचालक जी, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली अश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है, शक्ति शांति का भी आधार है, शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और संयोग है कि उसमें प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित श्रीमती संतोष यादव जी उसी शक्ति का, ऊर्जा का, चैतन्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। गौरी शंकर की ऊंचाई को दो बार उन्होंने पाटा है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। श्रीमती अनुसुयाबाई काले हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। उस समय भारतीय महिला परिषद, इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कौर भी यहां के शिविर में आ चुकी है। दिसंबर 34 में शिविर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता ऐसी एक महिला ने की थी, और तब से चलता आ रहा है। इमरजेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा, मैं वहां प्रचारक था उस समय, तो कुमुत्ताई रांगणेकर जी औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयादशमी उत्सव का प्रमुख अतिथि पद भूषित किया था। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है।
लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में, सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। 2017 में विविध संगठनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी, यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक, सबको उसमें लिया था। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण यह पहली बार हुआ है। वो सर्वे प्रसिद्ध भी हुआ, उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया। दिल्ली में ही उसका लोकार्पण निर्मला जी सीतारामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था, मैं था वहां पर। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है, मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं, उनके पांचवें फेज के बाद अब छठा फेज चल रहा है, उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। और इसलिए उस मातृशक्ति के जागरण का महत्वपूर्ण काम अपने परिवार से प्रारंभ करते हुए सार्वजनिक कार्यों में, संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी। और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, इसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे, अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। अभी अभी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अपने देश के नवोत्थान के इस उदय काल के दृश्य को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक प्रगति के प्रतीक, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना प्राणार्पण किया उनके गौरव के प्रतीक कैसे कैसे खड़े हो रहे, उसके पीछे अपने समाज का कर्तृत्व कैसे दौड़ रहा है, इस सारा वर्णन आपने भी सुना है। इस नवोत्थान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए, गोलमोल नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है। तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन प्रशासन समाज नेतृत्व कार्यकर्ता इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है, कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है, मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो खाई हो कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा, ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की अपने आत्मा की ये जानकारी ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो, क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है, उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी विश्वास का भी वातावरण बनता है और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के और सामूहिक रूप से हमारे समाज के राष्ट्रीय चरित्र का ये महत्व का घटक है सहचित्तता, इसलिए हमारे संगठन मंत्र में उसको स्थान है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषां, समानम मंत्र अभिमंत्रमेव, सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है
इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता, इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है, और जैसा मैंने कहा चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है। दो प्रकार की बातों से साधारणता सावधान रहना पड़ता है। पहली बाधा तो हम खुद रहते हैं, गतानुगतिकता स्वभाव की वो बाधा उत्पन्न करती है, रूढ़िप्रियता के कारण वो बाधा आती है। समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती है, और उसके अनुसार चलना तो है लेकिन बदलकर चलने के चक्कर में बहुत कुछ पहले अनुभव से जो चलते आ रहा है उसमें जो शाश्वत होता है, जैसे हमारी अतिथि महोदया ने बार बार सनातन संस्कृति का उल्लेख किया, वो जो सनातन शाश्वत संस्कृति के मूल्य है उनको छोड़ने से काम नहीं चलता, उसी बुनियाद पर नया युगानुकूल देशानुकूल प्रतिमानक कौन सा होगा ऐसा विचार करके चलना पड़ता है। तो नित्य नूतन होना पड़ता है लेकिन चिर पुरातन भी रहना पड़ता है। सनातन और नित्य नूतन ये साथ चलते हैं, बिना सनातन के नित्य नूतनता भटका देती है, कटी पतंग हो जाती है, और बिना नूतनता के वो अंग्रेजी कविता प्रसिद्ध है ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू लेस्ट वन गुड क्वेश्चन शुड करप्ट द वर्ल्ड। परिवर्तन यह दुनिया का नियम है, उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ चलते चलते भटक न जाए इसलिए सनातन पर पैर पक्के रखने पड़ते हैं। ये करने से मन की गतानुगतिकता हमको रोकती है, हमको उससे बाहर आकर अपने उस सनातन संस्कृति के मूल्यों का युगानुकूल देशानुकूल अभिव्यक्ति करने वाला रूप क्या है, संपूर्ण दुनिया से जो आता है उसमें भी लेने लायक क्या है, उसको देशानुकूल कैसे बनाते, ऐसा विचार करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की जो बाधा है, सनातन मूल्यों का क्षरण न हो ये देखकर चलते समय और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती है, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते, उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव सामंजस्य जो नहीं चाहते, जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है ऐसा होने से, वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए, असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे, इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं, और हमको हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं, जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर,
अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं, उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयता पूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। एक बहुत पुराना मराठी भावगीत मुझे याद आता है, शायद लता जी ने ही गाया है, उसमें यह कहा गया है, वाढवीत भेदभावा दुष्ट तोचा फिरतो कावा। भेदभावों को बढ़ाते हुए दुष्टता अपने छल कपट कर रही है, गाठुनिया भोलिया जीवा अंधारात घाली लग घाव। अंधेरे में आघात करेंगे लोगों के भोलेपन का लाभ उठाकर। चित्त नित्य सावध ठेवा, नित्य सावधान रहो, एक लक्ष्य लाओ न डोले, एक लक्ष्य के तरफ अपनी नजर गड़ा के रखो, उस लक्ष्य का भान रख के सावधान रहो। वो लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक है, भारत का परम वैभव यही अपना लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के लिए इस प्रकार सजगता से समाज का सबल और सफल सहयोग आवश्यक है। क्योंकि परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाने वाले उपकरण रहते हैं, शासन है, प्रशासन है, समाज में तरह तरह के संगठन है, संस्थाएं हैं, एनजीओ काम करती है, लेकिन इन सबकी यशस्विता समाज का जब तक उनको समर्थन मिलता नहीं, समाज में जब तक वो परिवर्तन आता नहीं, तब तक ये सफल नहीं होती। कई इसके उदाहरण है। अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे, आजकल लोगों को समझ में नहीं था, तकरार करते, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है, आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं, पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहां बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे, वो कह रहे थे भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। और आज देखेंगे तो मूर्धन्य अपने देश के जिस क्षेत्र में जितने व्यक्ति है, लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े। ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी, अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी और केवल मांग करने से होगा?
मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं अपने परिचित मित्र, लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं, क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं, तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? शिक्षा नीति में, और हम कहते हैं संस्कार आजकल नहीं मिलते, संस्कार आने चाहिए, सुसंस्कृत देशभक्त नागरिक बनने चाहिए, लेकिन अपने पाल्यों को स्कूल में भेजते समय हम क्या बताते हैं? ऐसा पढ़ो कि अधिक कमाओगे, ऐसा बताते हैं कि ऐसा पढ़ो कि देश के उत्तम नागरिक बनोगे, ऐसा बताते हैं। पाल्यों को अगर हम ये मंत्र देकर भेज रहे कि कुछ भी करके अधिक कमाने वाली डिग्री लो, तुमको उस डिग्री का ज्ञान लेने की इच्छा हो ना हो, मन के विरुद्ध पैसा 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 ऐसा होने के लिए तुमको वही करना चाहिए, जब तक ये अभिभावक पढ़ाते तब तक छात्र कैसे देशभक्त सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे? वो तो पैसा कमाने वाली मशीन ही बनना चाहेंगे। शुरू समाज से होती है सारी बातें, संस्कार भी समाज में, घर में अभिभावक देते हैं, सामाजिक आयोजनों में और माध्यमों के द्वारा, जननेताओं के द्वारा संस्कारों का वातावरण होता है। केवल विद्यालय महाविद्यालयीन शिक्षा में संस्कार नहीं मिलते, हमको परतंत्र बनाने वाली शिक्षा जब शासन के संपूर्ण आशीर्वाद से लागू थी स्वतंत्रता के पूर्व, तो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर नए भारत की कल्पना करके संघर्ष करने वाले सबके सब लोग उसी शिक्षा पद्धति में से निकले। लोकमान्य तिलक कहां पढ़े थे? गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। महात्मा गांधी गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। योगी अरविंद गुरुकुलों में नहीं पढ़े थे। डॉक्टर हेडगेवार की शिक्षा अंग्रेजी पद्धति से हुई थी। लेकिन यह सबके सब लोग देशभक्त सुसंस्कृत लोग क्यों बने? तो केवल स्कूली शिक्षा पे निर्भर नहीं थे, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, इसके कारण उनके संस्कार बने। समाज का यह दायित्व बनता है, प्रत्येक परिवार का, जो समाज की छोटी इकाई है, उसका यह दायित्व बनता है। वहां परिवर्तन नहीं आएगा तो कैसे शिक्षा नीति संस्कार लाने में सफल होगी? दूसरी ऐसी स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है। हम चाहते हैं, हमारा प्रस्ताव भी है, आप सबकी इच्छा है कि सबको सुलभता से मिले, सस्ते में मिले, और समग्र विचार करके, सभी पाखियों का विचार करके, जिसको जो लागू होता है ऐसा देने वाली, एक शब्द चलता है प्लूरोपैथिक, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था सरकार करे, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल उपचार पर निर्भर नहीं रहता, बीमार होने पर उपचार की बात है, बीमार न होने के लिए कुछ करना पड़ता है। इलनेस की व्यवस्था हमारी अपेक्षा ठीक है, लेकिन वेलनेस का काम हमको भी करना पड़ता है। अब सरकार के नीति के कारण और उनके आशीर्वाद से भी योग की बात रूढ़ हो रही, सब लोग योगासन करें ऐसा प्रयास चल रहा है। संयम की आदतें, सार्वजनिक स्वच्छता की आदतें, इन सारी बातों में शासन की नीति तो अग्रसर हो रही, हमारी आदतें बदली है क्या? हम अपना कचरा कहां पर डालते हैं? हम अनावश्यक कचरा करते हैं क्या? अपने पर्यावरण को, अपने घर के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं कि नहीं रखते? हमारी स्वयं की आदतें स्वच्छता की है कि नहीं? कितनी बातें सोचनी पड़ेगी। समाज जब तक सहयोग नहीं करता, व्यवस्था यशस्वी नहीं होती। केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा
सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ हुआ है, परंतु वो पूरा का पूरा मिले, अमल में आए, इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है और वो समाज की लानी पड़ेगी। कानून नियम तो बने, बाद में भी बने और आज भी बन रहे हैं, समाज में विषमता का निर्मूलन हो और समता को लाया जाए, यह उद्देश्य बताकर, यह उद्देश्य बनाकर भी नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन विषमता रहती कहां है? विषमता तो हमारे आपके मन में रहती है। ऊपर ऊपर का इलाज होने से क्या होगा? अंदर तो नासूर सड़ता रहेगा, और इसलिए मन से उसका निर्मूलन होना चाहिए, समाज मन से विषमता चली जानी चाहिए, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहां हमारा आना जाना, उनका हमारे यहां आना जाना, उठना बैठना खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो, ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। ये हम सबको करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के लिए भी रोजगार की बात आती है, बहुत सारी बातें चल रही है, स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां आ रही है, और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है, हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना ही खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लुटाते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम इसकी चिंता करते हैं कि नहीं, कि मेरे करने में, मेरे अपने लिए कमाने में किसी का शोषण न हो। योग कर्मसु कौशलम गीता में कहा है और तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा कहा है, वो कुशलता यह है अपना जीवन चलाना, दूसरे किसी के जीवन को हानि बिना पहुंचाए, ये हमारी परंपरा है। क्या हमारे जीवन में वो आई है, बीच में चली गई, हम स्वार्थी बन गए? उस स्वार्थ को अपने मन से हटाकर हमने इस आचरण को अपनाया नहीं तो शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था कहां से आनी? रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो, और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस, ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10-20-30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है, कोरोना में हमने देखा, कोरोना में और बड़ी संख्या में 3 करोड़ से ऊपर लोगों का इधर से उधर जाना हुआ, रोजगार छूट गए, नए रोजगार नहीं बने, ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया, केवल संघ के स्वयंसेवक ने नहीं, कोई एक संगठन, एक सरकार, एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उस समय सब लोग इकट्ठा आ गए, शासन प्रशासन भी आया, समाज के सदन संपन्न व्यक्ति भी आए, उद्योग चलाने वाले लोग भी आए, संघ के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता सब एक हुए और सबने प्रयास किए,
तो मिल गया काम लोगों को। और इस अनुभव से सीखकर जो स्वयंसेवक आर्थिक विषयों को ध्यान देने वाले संगठन में काम करते हैं, उन्होंने बाद में भी ये उपक्रम चलाया, समाज के ऐसे सब लोगों को साथ लिया, उनके साथ वो रहे और एक एक जिला केंद्र पर उस जिला में ही जिनको काम मिल सकता है वहां के तरुणों को ऐसे रोजगार कौन से, उनका प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात उन्होंने शुरू की। 350 जिलों में ये काम शुरू हो गया है, सब जिलों में शुरू होगा और अभी तक बड़ा उल्लेखनीय रोजगार देने का काम उनके द्वारा हुआ है। आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं बताता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 350 जिलों में जिला केंद्र से ये काम शुरू हो गया है। ये हम अगर करेंगे नहीं तो अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकते, रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है, ये तो अधिकांश सारे समाज के हाथ में है। समाज अगर ध्यान नहीं देता तो ये होता नहीं है। बार बार समाज 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 ये मैं क्यों कह रहा हूं, सरकार को उसके दायित्व से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूं और हमको मुक्त नहीं करना है, उस पर नजर रखनी है ठीक करते कि नहीं अपने दायित्व को पूरा, जनता का यही काम है। परंतु वो अपना दायित्व पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला, क्योंकि सब बातों का कारण समाज है। उस समाज में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है, ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है, चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान ऐसी नीति अपनाई, बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए, लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे, तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा, हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे, आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या, अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे रहेंगे भी क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है, यह एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्षों पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.0
वन ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है, उससे भी नीचे हम आ गए दो तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है, परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी दो तीन लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए, तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है, उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त तो हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त तो हो जाती है, कितनी भाषाएं दुनिया वाली दुनिया की, बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त तो हो गई। और इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता, लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए स्व की जागृति का महत्व है। क्योंकि समाज यानी हम है, एक मैं यहां हूं, लेकिन मेरा समाज हमारी सबकी एक समान पहचान है, वो हमारी समान पहचान कौन सी है? सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है, विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में है, उनकी पूजाएं पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के है, कुछ दशकों पूर्व पूर्वज उनके वही थे जो हमारे, इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं, फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है, भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा।
पूरे भारत की प्रशस्ति रामायण में है, पूरे भारत की प्रशस्ति बाद के महाभारत में है, पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने, रविन्द्रनाथ टागोर ने, सब लोगों ने। क्या समय था, कौन सी व्यवस्था थी, राज्य एक थे या अनेक थे, राज्य करने वाले अपने थे या विदेश के थे, बिना इसका विचार किए पूरे भारत का स्तुतिगान गाया है। हमारा देश उस समय से एक देश है, एक राष्ट्र है, क्योंकि इन विविधताओं को स्वीकार करने की बात हमारे समझ में बहुत प्राचीन समय में आ गई। हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है, उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका। सब अपना है क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं, दूसरे जगह दूसरे रूप में दूसरे प्रकार से दूसरे नाम से दूसरे रूप में कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख, ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है, जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने, वो हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति, खान पान रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बातें, आचार धर्म है वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है, क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो, क्या धर्म है, सत्य करुणा शुचिता तपस, बस चार बातें, बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है, और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये चार जिसमें नहीं है, इस चार में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो, इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है, कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य, हम सब एक है, इसका अधिक्षेप होता है, इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है, इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है, और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं, हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेषां अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन आशय यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है,
हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। और सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। ऐसे आधार पर जो शक्ति खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ छील रहता है। प्रार्थना में है हमारी, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी शक्ति मांगी जिससे हम सबको जीते। ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्तिस्य शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत। जहां सत्य, करुणा, तपस, शुचिता है, वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है, दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं, तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में है, सदा रहे। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरु जी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह कर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं, अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में, और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ, पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान के मर्यादा में रहना चाहिए, अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए।
नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान के मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए, और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़े, जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के टोड़े मत, श्रद्धा को किसी को श्रद्धा का ठेस न पहुंचाए, इसका इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है, इस गलत विचार का दुखभरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के, हम भारत के पूर्वजों के, हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। योगी अरविंद, उनका भी जन्मदिन 15 अगस्त का ही था, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया। उसमें उन्होंने 5 स्वप्न अपने बताए। पहला स्वप्न था स्वतंत्र अखंड एकात्म भारत। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई और अपने संविधान के कारण सारे अलग अलग संस्थान एकत्र होकर एक देश बना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु पाकिस्तान हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इसके कारण हिंदू मुसलमानों की खाई दूर होने के बजाय एक नई शाश्वत राजनीतिक खाई बन गई, ये गलत हो गया। जिस किसी मार्ग से जाना है उस विभाजन को जाना चाहिए, नहीं तो भारत की उन्नति, भारत की प्रगति और शांति और भारत का दुनिया में जो योगदान अपेक्षित है उसके मार्ग में ये सदा बाधा बनता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व को एक करना मैं चाहता हूं, उसके लिए यूनो वगैरह जैसी संस्थाएं बन गई द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, ये अच्छी बात है, वहां जरा न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, भारत को उसको सशक्त करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा स्वप्न, भारत की आध्यात्मिकता का सारे विश्व में सर्व संचरण होना पड़ेगा और विश्व की मानवता पर अतिमानस का अवतरण होना पड़ेगा, यानी मानवता सामान्य रूप से उन्नत होनी पड़ेगी। इन 5 स्वप्नों को वो देखते थे, उन्होंने अपने पत्र में वो लिखा, संदेश में लिखा। और इसलिए कर्तव्य का जो संदेश उन्होंने उसमें लिखा है वो हम सबके लिए अतिशय मननीय और करणीय संदेश है। उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मूल अंग्रेजी में है पत्र, वो हिंदी में है, मैं करता हूं और बताता हूं। महर्षि अरविंद कहते हैं, राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है जिस पर अन्य सब कुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, नौछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़ें तो उसी के लिए पढ़ो, शरीर मन व आत्मा को उसके सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो, अपनी जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है, सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहां से ज्ञान ले आकर उससे उसकी सेवा कर सके,
उसके वैभव के लिए काम करो, वह आनंद में रहे इसलिए दुख झेलो, इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया। आज का समय देखते हैं तो आज भी हमारे लिए कर्तव्य का यही संदेश है, गांव गांव में सज्जन शक्ति, रोम रोम में भारत भक्ति, यही विजय का महामंत्र है। दसों दिशा से करे प्रयाण, जय जय मेरे देश महान। इस कर्तव्य पथ पर हम सब स्वयं सेवक आगे बढ़े, समाज भी हमारे साथ आगे आए, स्वतंत्र रूप से भी हमारे साथ चल सकता है। हम सब लोग साथ मिलकर चले और परम वैभवी भारत को विश्व गुरु बनाए। इस आवाहन के साथ मैं अपने चार शब्द समाप्त।